साथियों, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। और अमेरिका आधुनिक लोकतंत्र का चैंपियन है। आज दुनिया इन दो महान लोकतंत्रों की साझेदारी को और सशक्त हुए देख रही है। अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन अभी हमारी पार्टनरशिप का असली पोटेंशियल सामने आना बाकी है। इस पोटेंशियल को आगे बढ़ाने में आप सबकी बहुत बड़ी भूमिका है। आप सभी ने यहां नाम, बहुत नाम कमाया है। आपने अमेरिका के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। अब जब भारत ने आजादी के अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लिया है, तब आपसे अपेक्षा और अधिक बढ़ जाती है। ये भारत में अधिक से अधिक निवेश का सही अवसर है। मेरा आग्रह है कि आप भारत के एमएसएमईस और स्टार्टअप्स के साथ संभावनाओं को आगे बढ़ाएं, हमारे यंग एंटरप्रेनर्स को प्रोत्साहित करें। भारत की ग्रोथ में आपकी स्किल, आपकी टेक्नोलॉजी और आपके एक्सपर्टाइज बहुत काम आएगी। आपको पता है, भारत में एक नई आधुनिक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई है। आप में से अनेक साथी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में महत्वपूर्ण पदों पर है, रिसर्चर्स और एकेडमिशियंस हैं। आप अपने अल्मा मेटर्स और दूसरे भारतीय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ेंगे तो उसका बहुत अच्छा प्रभाव होगा। वैसे आपके प्रयासों के बीच मैं आपको दो और बातें बताना भी चाहता हूं, और जिनको सुनकर के आपको जरूर अच्छा लगेगा। पहली तो ये कि भारत में गूगल्स का एआई रिसर्च सेंटर 100 से ज्यादा भारतीय भाषाओं पर काम करेगा। इससे भारत में ऐसे बच्चों को पढ़ने में, काम करने में आसानी होगी जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है। और दूसरी ये कि भारत सरकार की मदद से यहां यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन में तमिल स्टडीज चेयर की स्थापना की जाएगी। इस चेयर से तमिल संस्कृति और दुनिया की सबसे प्राचीन तमिल भाषा का प्रभाव बढ़ाने में और मदद मिलेगी। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जब कभी भाषा की चर्चा निकले तो सीना तान करके दुनिया को कहना कि दुनिया की, मानव जात की सबसे पुरानी भाषा, तमिल भाषा है और वह हमारी भाषा है। यह गर्व से कहना चाहिए, दुनिया
दुनिया की सबसे पहली पुरानी भाषा होने का गर्व हमारे पास है।